जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री रश्मि रंजन स्वाइन जी, सभागार में उपस्थित सभी कुलपति महोदय, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सम्मानित अधिकारी, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, सिविल सोसाइटी के साथियों, सभी डिस्ट्रिक्ट्स और थानों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए अधिकारी, पुलिसकर्मी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, 1 जुलाई 2024 भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख हो गई और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इस देश ने जिस तरह संविधान का निर्माण किया वो अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है हमारे देश के संचालन के लिए। उसी तरह ये नए कानून जो 150 वर्ष के पश्चात बने हैं, वो भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति दिलाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ। इन नए कानूनों के तहत पहली FIR आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज कर ली है। 30 जून की आधी रात से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून, जिसके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। मैं कोई कानून का जानकार नहीं, उसके बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया है। मैं किन परिस्थितियों में ये निर्णय करना पड़ा और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, मुझे लगता है कि इसी पर मैं अपने को केंद्रित करूंगा। ये एक स्वर्णिम अवसर मैं मानता हूं और वो इसलिए इसी वर्ष भारत के संविधान को निर्मित हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करने के लिए बनाए गए तीनों कानून भारत के संविधान की मूल भावना पर आधारित हैं, ऐसा आज हम कह सकते हैं। इन तीनों कानूनों को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पिछले 4 वर्षों तक चले व्यापक विचार विमर्श के पश्चात अंतिम रूप दिया गया है। अगर मैं इसके निर्माण की यात्रा के विषय में थोड़ी चर्चा करूं, तो सन 2019 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजों के समय में बने सभी कानूनों पर समीक्षा का एक निर्देश दिया था। उसके पश्चात अगस्त 2019 में सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, न्यायिक एकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटीज, पार्लियामेंट मेंबर्स, विधायक, सिविल सोसाइटी तथा जनता से सुझाव मांगे गए। सितंबर 2019 में सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को पत्र लिखकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सुझाव मांगे। 2020-2021 में भी स्टेक होल्डर से विस्तृत चर्चा हुई और कुल मिलाकर 3200 सुझाव भारत सरकार को प्राप्त हुए, जिसमें 200 के आसपास IPS ऑफिसर्स ने भी सुझाव दिए थे। उसके पश्चात परामर्श का दौर शुरू हुआ। भारत के गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह जी स्वयं 158 ऐसी बैठकों में उपस्थित रहे हैं। इस तरह के व्यापक विचार विमर्श के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि न्याय, समानता और निष्पक्षता
पर आधारित तीनों कानूनों के लिए राष्ट्र की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने एक राय से मत दिया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर एवं संपूर्ण राष्ट्र, मैं समझता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री का आभारी है। 2022 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान करते हुए कहा था कि हम सभी को गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश से जल्द मिटाने होंगे, ताकि नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन तीनों कॉलोनियल कानूनों से देश को मुक्ति दिलाकर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने संविधान के अमृत वर्ष में संविधान के मूल तत्वों, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बनाए गए कानूनों को आज भारत लागू कर रहा है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय कैसे पहुंचेगा। हमारी संस्कृति में कहा गया है, न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, अर्थात न्याय सुशासन या सुराज का मूल तत्व होता है। भारत के प्राचीन न्यायविदों महर्षि वेदव्यास, याज्ञवल्क, कात्यायन, बृहस्पति तथा चाणक्य ने न्यायिक प्रणाली और विधिक प्रक्रिया का विस्तार से हमारे ग्रंथों में वर्णन किया है। न्यायिक प्रणाली पर प्राचीन विद्वानों के दर्शन का जो निचोड़ है, और वो है न्याय और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किसी भी शासन में ये सर्वोपरि होनी चाहिए। न्याय सर्वोपरि है और उसके मूल्यों की रक्षा और उसके चारों प्रकारों, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं कानूनी का संरक्षण, यही सुराज का परम लक्ष्य होना चाहिए। माने गुड गवर्नेंस का यही गोल होना चाहिए। न्याय से ही दंड की उत्पत्ति होती है, ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो तथा दंड के द्वारा भविष्य के अन्याय को रोका जा सके। हमारे अथर्ववेद में कहा गया है, स्वास्य ममात्मन जनपद दुर्ग कोष दंड मित्राणि प्रकृत्यः। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के लोगों में जो अशोक चक्र बना हुआ है, जिसके नीचे महाभारत का एक श्लोक लिखा है, यतो धर्मः ततो जयः, यानी जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जस्टिस शांति स्वरूप धवन ने न्याय दर्शन और न्याय शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के उपरांत लिखा था कि किसी भी राष्ट्र की तुलना में प्राचीन भारत में न्यायपालिका की क्षमता, ज्ञान, निष्ठा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के मानक उच्चतम रहे हैं और उन्हें आज तक पार नहीं पाया जा सका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1966 में एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ था। उस स्मारिका में जस्टिस धवन का एक लेख छपा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत के विधि शास्त्र की उपेक्षा सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस श्री एन वी रमन जी ने कानूनी प्रणाली के भारतीयकरण पर बल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस श्री अब्दुल नज़ीर ने कहा था कि कॉलोनियल कानूनों को समाप्त करके भारत के महान कानूनी दिग्गजों की परंपराओं को जल्द से जल्द इस देश में अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे खुशी है और गर्व है कि आज भारतीय न्याय संहिता की भावना पर आधारित कानून को लागू करके भारतवर्ष एक निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली के लिए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है तथा न्याय के लिए एक नए विजन को भी अपना रहा है। यह विजन एक ऐसे समाज की हमारी सामूहिक आकांक्षा पर आधारित है, जहां न्याय सभी के लिए सुलभ हो, जहां कानून का शासन कायम हो और जहां हर व्यक्ति की गरिमा बरकरार रखी जा सके। हमारे देश के संविधान ने न्याय संगत, निष्पक्ष और स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित कानून पर सदैव बल दिया है। इसलिए अगर इन कानूनों के विवरण में
हम जा करके देखेंगे तो यह स्पष्ट रूप से हमें नजर आएगा कि यह दमनकारी कॉलोनियल ढांचे से हटकर सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। मुझे स्मरण है दिसंबर 2023 में देश की संसद में जब इन कानूनों से संबंधित विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब अनेक माननीय सदस्यों के इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाए थे और उस समय भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उनका संदेह दूर करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए ये कानून बनाए थे, यानी इसका मुख्य उद्देश्य था गुलाम प्रजा को गवर्न करना ताकि अंग्रेजी राज इस देश में सुरक्षित रह सके। मैंने संविधान सभा की कार्रवाई पढ़ी है, 3 जून 1949 को जब राष्ट्र के नीति निर्माता संविधान सभा में राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए संविधान पर चर्चा कर रहे थे तब एक सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि जब हम इस देश के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण कर रहे हैं तब हम ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए जिससे आम लोगों के प्रति सभी मामलों में न्याय हो सके। एक दूसरे सदस्य प्रोफेसर सिब्बनलाल शर्मा ने कहा था कि वर्तमान न्याय प्रणाली यानी जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसे तुरंत बदल दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर एक ऐसी न्याय प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिससे लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। संविधान सभा के ही एक अन्य सदस्य डॉक्टर पीके सेन ने कहा था कि भारत की स्थिति में इंग्लैंड का अनुसरण नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने शासन के लिए दमन की नीति को अपनाया था, लेकिन ये सच है कि उस बदलाव की प्रक्रिया में काफ़ी देर हुई। 7 दशक पश्चात आखिरकार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करने वाले कानूनों में हमारे संविधान की भावना का समावेश हो सका और हम सब इसके गवाह बन सके, ये हम सब का सौभाग्य है। भारतीय न्याय संहिता ने आज 1860 के IPC को रिप्लेस किया है। इसका फोकस, जैसा स्वाइन साहब ने बताया, रेस्टोरेटिव जस्टिस और विक्टिम के अधिकारों पर केंद्रित है। यह कानून केवल दंड पर फोकस न करके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य अपराध के मूल कारणों को एड्रेस करना है और अपराधियों को सुधार करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर भी प्रदान करने का है। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 को अब रिप्लेस किया है जिससे त्वरित एवं निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस नए कानून के माध्यम से ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में देरी समाप्त हो सके। जस्टिस इज नॉट ओनली डन बट सीन टू बी डन ऑन टाइम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के अधिकारों की सुरक्षा पर भी बल देता है। तीसरे और अत्यंत ही महत्वपूर्ण कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस किया है तथा एविडेंस कलेक्शन और न्याय प्रक्रिया में उसके उपयोग को कैसे आधुनिक बनाया जाए, इस कानून के माध्यम से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विशेष रूप से बल दिया गया है जिससे एविडेंस की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी। न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत बनाने के लिए इस कानून के द्वारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और फॉरेंसिक के महत्वपूर्ण टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो इसकी व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर आधारित ये तीनों कानून अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण व्यवस्था में आदर्श बदलाव को दर्शाते हैं। मित्रों, 150 वर्षों से चले आ रहे कानूनों में जिस प्रकार रिफॉर्म करके गुलामी के चिन्हों को मिटाया गया है और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा की व्यवस्था की गई है, वह मैं समझता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी की सभी के लिए न्याय की प्रतिबद्धता का एक जीवंत प्रमाण है। यह तीनों कानून हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को सशक्त बनाते हुए आधुनिक समय के साथ आगे बढ़ने और भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
ये सच है कि अंग्रेजों ने जब कानून बनाया था तो वह दंड केंद्रित था, न कि वह न्याय केंद्रित था। ये तीनों कानून दंड केंद्रित न होकर न्याय केंद्रित हैं और विक्टिम के अधिकारों की सुरक्षा और मानवीय गरिमा को भी सुनिश्चित करते हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज़ादी के पश्चात पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आतंकवाद की व्याख्या करने का काम भारतीय न्याय संहिता कानून ने किया है, जिसका जिक्र अभी स्वाइन साहब ने किया था। उसे ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाना है, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। जिस कृत्य से स्थानीय स्तर पर शांति भंग हो सकती है उसे आतंकवाद माना गया है। मैं समझता हूँ यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा और उसके समूल सफाई के अभियान को नई गति प्रदान करेगा। संगठित अपराध की भी व्याख्या मेरे पहले बताई गई है। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह यानी सेडिशन को समाप्त कर दिया गया है, इसके स्थान पर देशद्रोह को शामिल किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को इस श्रेणी में रखा गया है। जो भी व्यक्ति अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का सहारा लेता है, वह देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। मॉब लिंचिंग को भी नए कानून में जगह दी गई और उसमें न्यूनतम 5 साल की कैद से लेकर अधिकतम फांसी तक की सजा का प्राविधान किया गया है। मित्रों, इन नए कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ मिलकर आम आदमी की सुरक्षा करेंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट एंड आई कोट्स, न्याय को मजबूत प्रशासन देने के लिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच काम का बंटवारा किया है। पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं बल्कि न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम साबित होंगे। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है। इन्फोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड स्पीडी ट्रायल होगा। इससे कोर्ट तथा जेलों पर बोझ कम होगा तथा कन्विक्शन रेट भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति भी कहती है कि न्याय में विलंब का सीधा अर्थ है धर्म की पराजय, और हमारे शास्त्रों में कहा गया कात्यायन स्मृति, इसका एक श्लोक है, न काल हरण कार्यम राजा साक्षी प्रभाषण है महान दोषो भवित काल धर्म व्यावृत लक्षण। अर्थात गवाहों की जांच करने और मुकदमों का फैसला करने में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय में विलंब का परिणाम निश्चय ही धर्म की पराजय है। मैं गजट नोटिफिकेशन में उल्लिखित इन कानूनों के प्रावधानों को पढ़ रहा था। बड़े अस्पष्ट तौर पर अकाउंटेबिलिटी भी तय की गई, पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली लागू की गई है तथा ट्रायल प्रक्रिया पूरी करके न्याय के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं जिन मित्रों ने जम्मू कश्मीर में इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए हैं ट्रेनिंग का, अवेयरनेस का, उन सभी अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे लगता है कि ये जो अभियान आपने चलाया है इसे आगे और भी तेज गति से चलाना पड़ेगा। समाज के प्रबुद्ध और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। आप सभी के ज्ञान कौशल और मानवीय संवेदना पर समाज के बहुत बड़े वर्ग, विशेष रूप से वंचितों, महिलाओं, बच्चों की आशाएं और आकांक्षाएं टिकी हुई हैं। मित्रों, इन नए कानूनों के लागू हो जाने से हम एक अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज की दिशा में नई यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिससे रूल ऑफ लॉ को कायम रखने और विजिबल जस्टिस
सुनिश्चित करने में हमें सफलता मिलेगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इन कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जो माइलस्टोन रखे गए थे उसे प्रभावी तरीके से अचीव करने में जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रही है। अब सभी स्टेक होल्डर्स की सामूहिक जिम्मेदारी है कि लोगों की आस्था के अनुरूप निष्पक्ष पारदर्शी और उचित न्याय प्रणाली के लिए स्वयं को हम समर्पित करें। इदम में ब्रह्म च क्षत्रण, आपका ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों ऐश्वर्य को प्राप्त करे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।